हेलो स्टेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्या है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स है हमें उन सभी इलिप्स की इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिनकी फोकाई किस पे हो वाई एक्सिस पे और सेंटर किस पे हो ओरिजन पे ठीक है तो देखते हैं कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स लिखनी है इक्वेशन ऑफ एलिप्स इसमें क्या हो जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्स है तो वाई स्क्तल टू वन इस तरीके से लिखेंगे अगर फोकाई X होता, तो क्या लिखते एक्स स्क्स में वाई स्क्र बाय बी स्क्वेयर इक्वल टू वन हो जाती इनका ओरिजिन पे सेंटर है क्योंकि बी और ए इक्वल टू जीरो है अब ये इक्वेशन आ गई हमारी इसको यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स स्क्र का क्या हो जाएगा टू एक्स में बी स्क्वेयर एज इट इज प्लस में वाई स्क्र का टू वाई इन टू वाई का वाई डैस अपोन में ए स्क्वेयर इक्वल टू वन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहां पे टू वाई वाई डैस में ए स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी यहां पे डिफरेंशिएशन किया था वन का जीरो हो गया ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का टू एक्स बाय बी स्क्वेयर हो गया अब को को इस तरफ ले ले जाओ नीचे आओ तो क्या हो गया टू ए स्क्र बाई ब स्क्वेयर बाय बी स्क्वेयर अब देखो दोनों आर्बिट्री कॉन्स्टेंट हमारे राइट right साइड आ चुके अब इनको एलिमिनेट करना है तो हमें एक बार और डिफरेंसिएशन कर देना है तो डिफरेंसिएशन करेंगे यहां पे तो u बाई वी लगेगा यू बाईव कैसे लगेगा x है का स्क्र और यहां पे x एज इट इज ऑफ पर वाई वाई डैस ऐसे लिखेंगे इसको थोड़ा बाद में एलिमिनेट करेंगे फिर माइनस में y वाई डैस एज इज और x का क्या हो जाएगा वन इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वेयर का क्या हो गया जीरो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यहां पे x इन पे y, y लगेगा क्या हो जाएगा वाई एज इज वाई डेस का वाई डबल डेस फिर प्लस में वाई डैस एज इज वाई का वाई डैस और माइनस में वाई वाई डैस अपॉन में एक्स स्क्वेयर क्या आ गया एक्स इन टू वाई वाई डबल डैस प्लस में वाई डैस का स्क्वायर और माइनस में वाई वाई डैस अपॉन में एक्स इक्वल टू क्या था मेरा जीरो के इसकी एक्सक्वेयर की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो सिंप्लीफाई करके लिख लो एक्स वाई वाई डबल डैस प्लस में एक्स वाई डैस का स्क्वेयर और माइनस में वाई वाई डैस इक्वल टू जीरो आंसर आ गया मेरा बस क्लियर हो गया समझ में आ गया किस तरीके से हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है ये सब उन इलिप्स की इक्वेशन हो गई जिनकी फोकाई वाई पे और सेंटर ओरिजिन पे लाई करेगा क्लियर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछिए अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लास क्लासेस वीडियो